नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निखिल और आज हम बात करने वाले हैं SOL असाइनमेंट को आप अपने मोबाइल से इजीली कैसे आप अब जो है अपलोड कर सकते हैं। यदि आपने अपने SOL असाइनमेंट जो है अपने रेडी कर लिए हैं तो उसे अपलोड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो उसी के बारे में है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी PDF फाइल का जो साइज़ है, जो भी आप सब्जेक्ट की आप एक PDF बनाते हो उसका जो साइज़ है, अगर आपने देखा होगा जब आप SOL के असाइनमेंट पे जो साइट पे आप जाते हैं जब आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर मैंशन भी है और वो अपलोड नहीं होती है फ़ाइल। तो 10 MB से ज़्यादा अगर आपकी फ़ाइल है तो उसे अपलोड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी जब आपने अपने असाइनमेंट अगर आपने रेडी कर लिए हैं तो उसको कंप्रेस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इस पर हमें गूगल पे क्या सर्च करना होगा। यहाँ पर हमें लिखना होगा कंप्रेस PDF, इतना लिख के आपको यहाँ पर मेंशन करना है और सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो लिंक आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले सकता है दोस्तों, क्योंकि ये साइट थोड़ी सी स्लो चलती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो है ये साइट ओपन होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चूज़ फाइल और ड्रॉप फाइल शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप चूज़ फाइल करोगे और फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद हम जाते हैं जो हमने फोल्डर बना रखा है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, जो मैंने सारी जो फाइल जो है पहले ही कंप्रेस करके रखी हुई हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक जो फाइल है यहाँ पर 6232-1201, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.55 MB की जो ये फाइल है। तो इसे हम जो है 10 MB के अंदर कैसे करते हैं कंप्रेस, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और फाइल जो है इस तरह से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फाइल जो है हमारी अपलोड हो रही है। तो जैसा कि हमारी फाइल जो है इस तरह से अपलोड हो चुकी है और हम यहाँ पर बेसिक कंपैरिजन, मीडियम फाइल साइज, हाई क्वालिटी, हम इस पर जो है क्लिक करेंगे। हम प्रो वाले पर क्लिक नहीं करेंगे और यहाँ पर हम चूज़ ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये कंप्रेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं ये कंप्रेस जो है हो चुकी है फाइल और अब हम इसे जो है डाउनलोड कर लेंगे। और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं जो कि 5.64 MB का जो है फाइल जो है इसका साइज़ हो गया है। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल जो है डाउनलोड से हम जाके देखते हैं ये डाउनलोड हो रही है और इस तरह से जो है ये डाउनलोड हो चुकी है फाइल। अब देख सकते हैं क्वालिटी भी ज़्यादा जो है इसकी ख़राब नहीं हुई है। अब हम इसे जो है अपलोड करेंगे। हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे SOL असाइनमेंट्स और यहाँ पर जो पहला वाला जो है लिंक, इस पर हम क्लिक करेंगे। साइट ओपन नहीं हो पा रही है। तो
दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है आपको SOL अपना नाम है, यहाँ पर जो है नंबर मेंशन करना है, SOL नंबर, यहाँ पर बारकोड नंबर जो कि आपके आई कार्ड पर होता है, और यहाँ पर कैप्चा डालकर इसको लॉगिन करना है। तो हम इससे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइमिंग आ रही होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपलोड करने के लिए ऑप्शन जो है, तो हम आपको बता दें कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको जो है फ़ाइल चूज़ करनी होगी, और यहाँ पर जो मीडियम, जिस मीडियम में आपने लिखा होगा वो मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे इन्वायरमेंट साइंस है तो हम इस पर मीडियम चूज़ करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे और फाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये देख लेना अपलोड करने से पहले दोस्तों, ये केयरफुली देख लेना कि आप जो सेमेस्टर का जो आप जो भी आप सब्जेक्ट का जो भी आप अपलोड कर रहे हैं असाइनमेंट, उसका कोड क्या है। तो आप ये असाइनमेंट का जो कोड जब आप ध्यान से देख लेना, 7218-2801 ये हमारा कोड हो गया। तो हम इस फाइल को जो है चूज़ करते हैं। वैसे आई एग्री पे क्लिक करते हैं, और अगर आपको देखने में इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पर जो तीन डॉट है लास्ट में, यहाँ पर आपको जो है डेस्कटॉप साइट पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा। तो एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। और हाँ, ये चीज़ आप इंश्योर कर लेना आपने किस मीडियम में वो लिखा है, जो आपकी जो जो असाइनमेंट है वो आपको किस मीडियम में लिखा है, उस मीडियम को भी आपको जो है केयरफुली सिलेक्ट करना है। तो चलिए अपलोड करते हैं। यहाँ पर हम मीडियम सिलेक्ट करते हैं, चूज़ फाइल करते हैं, और फाइल सिलेक्ट करने के बाद ये रही हमारी फ़ाइल, इसको हम सिलेक्ट करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे, देन अपलोड फाइल पर क्लिक कर देंगे। सेम चीज़ हम नीचे करेंगे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट कोड देख लेंगे पहले, लास्ट में ये आप देख सकते हैं अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। सेम चीज़ हम नीचे करेंगे, ये हिस्ट्री का है, मीडियम सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, रिफर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल कर देंगे। सेम चीज़ हम एक बार और इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी देख सकते हैं अपलोड हो गए। हमने आई एग्री पर क्लिक किया, और यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड आप मैच भी कर लीजिएगा, जो भी आपने PDF का रिनेम किया होगा वहाँ पर आप सब्जेक्ट सब। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे बढ़िया चीज़ आपकी ये होगी कि आप जो है रिनेम करने सही रहेगा आपके लिए, जो भी आप PDF बनाओगे उस पर आप सब्जेक्ट कोड डाल देंगे या उसका सब्जेक्ट क्या है वो डाल देंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप सब्जेक्ट कोड डाल दो और यहाँ पर आप मैच कर लो, जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और यहाँ पर आप फिर जो है इजीली आप अपलोड कर देंगे। फिर आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी ये नहीं होगी कि हमने गलती से कोई और इसमें अपलोड कर दिया। इसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देखना होगा, क्योंकि फिर री अपलोड करने में जब अप्रूवल मिलेगा तभी आप री अपलोड कर सकते हो। अगर आपकी कोई PDF जो है, अगर बाय मिस्टेक कोई दूसरे सब्जेक्ट की अपलोड हो गई है तो आप जो है अब रिक्वेस्ट डालेंगे, जब अप्रूव होगा देन उसके बाद आप री अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको जो है री अपलोड करने का ऑप्शन जो है बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। तो आपसे तो री अपलोड करने का ऑप्शन ये बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, तो आपको ध्यान से जो है इसे अपलोड करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और इसी तरह से हम इस तरह से ये जो बाकी के अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी फाइल्स जो है हमें सक्सेसफुली अपलोड कर दी है, और आप जो है कभी भी यहाँ पर जो है ऑप्शन आप ये चेक कर सकते हैं। हम इसको एक बार रीलोड करके दिखा देते हैं आपको।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है व्यू आंसर व शीट का जो है एक ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड री अपलोड रिक्वेस्ट इफ़ आंसर व शीट करप्टेड रॉन्ग ओनली, यानी अगर आपकी जो है आंसर शीट में अगर कोई गलती है या गलती से आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया है तो आप जो है री अपलोड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अपना अगर आप संतुष्टि करना चाहें, आप ये PDF देखना चाहें तो आप खुद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने सही तरीके से जो है अपलोड किया है नहीं किया है। यहाँ पर आपकी पहले PDF फाइल डाउनलोड होगी, उसके देन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सही PDF जो है ये अपलोड कर दी है, सब्जेक्ट कोड सेम है 801। तो इस तरह से आप जो है अपलोड इजीली आप कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर करके ज़रूर बताएं। और कोई भी अगर आपको परेशानी तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे किस टॉपिक पर आपको मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपको लगता है इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।